न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहा है और इसके चलते अभी भी ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड में कौन है बेहतरीन टीम, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा पहला टेस्ट मुकाबला दिन ब दिन इतना ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है कि यह कह पाना दर्शकों के लिए प्रशंसकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम करने में कामयाब रह सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा, पहले दिन जहां भारतीय टीम के नाम रहा और वहीं दूसरा दिन न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में खदेड़ने की पूरी कोशिश करी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम हमेशा से जानी गई है मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलकर जबरदस्त वापसी करने के लिए, जो कि भारतीय टीम ऐसा करती नजर भी आई जब तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी में कमाल करते हुए मैदान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खदेड़ कर रख दिया और हर एक बल्लेबाज न्यूजीलैंड का पानी मांगता हुआ नजर आया भारतीय गेंदबाजों के सामने। भारत की ओर से हर एक गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने अपनी तेज गति की फिरकी गेंदों से न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों को चारों खाने चेक करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करके 5 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 296 रन पर ऑल आउट करने में कामयाब रही और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 49 रनों की शानदार बढ़त भी बना ली और अब भारतीय टीम को इसी के आगे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के सामने एक विशालकाय लक्ष्य रखने की कोशिश करनी थी अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। दोस्तों अब आपको बता दें कि तीसरे दिन के अंत में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे तो इस दूसरी पारी में अब आपको बता दें कि सलामी क्रम उसी तरीके से संघर्ष करता हुआ नजर आया जिस तरीके से पहली पारी में संघर्ष करता हुआ नजर आया था, जिसके चलते तीसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 14 रन बनाकर एक विकेट खो दिया था और ये विकेट शुभमन गिल का था, जिन्होंने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक अपने नाम किया था, लेकिन वो ऐसा करना दूसरी पारी में ना कर सके और मात्र 1 रन बनाकर काइली जैमिसन का शिकार हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि चौथे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छी साबित हो रही थी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने आते ही काइली जैमिसन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंद पर एक के बाद एक कड़े प्रहार करते हुए नजर आए। चेतेश्वर पुजारा के स्वभाव को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वो न्यूजीलैंड की टीम पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम योगदान देंगे, लेकिन दोस्तों चेतेश्वर पुजारा के लिए ये अंदाज कुछ खास काम ना आ सका और उन्होंने काइली जैमिसन को अपने विकेट थमाते हुए एक बार फिर से इस मुकाबले में निराशाजनक पारी खेलकर अपने प्रशंसकों को निराशा के अलावा कुछ ना दे सके और वो 33 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए और जब वो आउट हुए तो टीम का स्कोर 11 ओवर में 2 विकेट खोकर 32 रन था। दोस्तों पुजारा का फ्लॉप शो तो इस पारी में एक बार फिर से जारी रहा, अब सारी उम्मीदें भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे और बाकी सभी बल्लेबाजों से थी। दोस्तों पुजारा के आउट होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर भारतीय टीम को कुछ हद तक संभालने की कोशिश करी थी, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर तक 1 विकेट खोकर 37 रन था और अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 86 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय टीम को अब ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए आज का पूरा दिन खेलना था और कम से कम न्यूजीलैंड के सामने 400 से अधिक का लक्ष्य तो रखना ही होगा अगर उन्हें यह मुकाबला जीतना है तो।